निश्चित रूप से देश विरोधी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ वही जेएनयू के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहां सम्मिलित थे, कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहां सम्मिलित थे, और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें कर जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के स्वर एक स्वर देना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो किसान आंदोलन करते समझ में आता है, बाकी प्रदेश क्यों आंदोलन में भाग नहीं ले रहे? सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये किसान नहीं है, ये लोगों के ये अन्य प्रकार के लोग किसानों के वेश में आकर के और किसानों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। जो किसानों के लिए बिल लाया गया है वो बिल 100% शत प्रतिशत किसानों के हित में है, और इसमें किसी प्रकार से सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुधार करके ही ये बिल लाया गया है, और ये दबाव इनका गलत है।